इंदिरा बीजेपी के दिग्गज लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित भी किया। यहां पर उन्होंने कहा कि आईएमएफ को अगर कोई भी उगता सूरज दिखता है तो भारत दिखता है। भारत ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सिर्फ अमेरिका और चीन भारत से आगे हैं। आज सारे यूरोप की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है, आज जापान की आर्थिक स्थिति भी लड़खड़ा रही है, आज ऑस्ट्रेलिया की भी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन है, उसको अगर कोई उगता सूरज और ब्राइट फ्यूचर दिखता है तो वो भारत दिखता है और भारत मजबूती से खड़ा है। ये मोदी जी, हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, भारत दुनिया में 11वें नंबर पर खड़ा था, आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और इस बार आप राजेश मिश्रा जी को जिताकर भेजेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत 2027 में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, इसका आपको हमको अंदाजा। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा ये गाड़ियों के बारे में, ये टोयोटा, ये डैटसन, ये जापान के बारे में। आज ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और भारत दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर खड़ा। अब हमारे से आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना है, तीसरे पर भारत खड़ा। आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। 10 साल पहले यही मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना,